मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक शानदार से प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर और उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल होऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी शानदार से क्लास को। सो आप सभी स्टूडेंट एनटीयूजीसी नेट के लिए इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं जो कि है अन अकेडमी, और आप सभी बच्चे लोग आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को आप सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, आप सभी बच्चों को प्रणाम है, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कुछ टॉप सब्जेक्ट्स आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाए जा रहे हैं, टॉप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी बच्चों को मैं अपने बारे में देना चाहूंगा। सो माई नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग फील्ड। एंड आपको सभी को मैं कॉमर्स और पेपर 1 के लिए टीच कर रहा हूं। जो भी बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा कोड है, आप इस कोड का इस्तेमाल करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं और आप सभी स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस के लिए भी अनलॉक कर सकते हैं इस कोड का इस्तेमाल करके। आपके पास प्लस और आइकोनिक के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं साथियों, तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, PDF लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। और अगर आप आइकोनिक का कोर्स लेते हैं तो आपको ये 4 बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच भी प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, SOP फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको SOPs प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यह बेनिफिट है आपके आइकॉनिक के, थोड़ा सा कॉस्टली है बट कहीं ना कहीं बेनिफिट भी इसके ज्यादा है। अभी 101 कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, चाहे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का। एक बार पेज देख लेंगे हम कि कैसे आपके प्लस और आइकॉनिक के जब सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो क्या कैसे शो हो रहा होगा। ठीक है, तो आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, जैसे ये बोलते हैं नीचे देखो, नीचे अभी 101 कोड अप्लाई करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, और आप सभी बच्चों के पास ये कुछ बेनिफिट है, बेनिफिट को ध्यान रखेंगे प्लस और आइकॉनिक के, तो ऐसा पेज शो हो रहा होगा जब आप प्लस और आइकॉनिक के कोर्स ले रहे होंगे। आपके वैलिडिटी के साथ आपके प्राइसेस शो हो रहे होंगे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोड एंटर करने का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपको कोड एंटर करना है, कोड को क्या एंटर करना है, ABHI101, अभी 101। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं और अप्लाई करते हैं, ये जो प्राइस हो रहा है इस पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आप किसी भी टीचर की क्लासेस किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी उसके लिए किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ रहे बेनिफिट्स आपके प्लस और आइकॉनिक के, तो देख सकते हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। कुछ टॉप बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, तो आप इनको भी ज्वाइन करना ना भूलें। इनको देखने के लिए आप जरूर सब्सक्रिप्शन ले लें साथियों। आपके पास एक कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और आपके पास इकोनॉमिक्स और आपके पास ज्योग्राफी के लिए कुछ चैंपियनशिप टेस्ट हुए थे जिनको आपको ज्वाइन करना था। और आपके पास बक्स माउंट अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी कंटेंट इन अप्रोप्रिएट लगता है, अच्छा लगता है कि उचित नहीं है, तो आप वीडियो के अंदर तो आप क्लेम कर सकते हैं प्राइज के लिए कि आपको भाई ये इशू है, इस पर्टिकुलर इशू है, तो इस पर्टिकुलर इशू के लिए क्लेम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया, गूगल फॉर्म के थ्रू आपके पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस है पढ़ने के लिए, जो कि तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वहां पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जो कि बिल्कुल फ्री होता है, हल अंडर्स के लिए पोल, आपको क्वेश्चंस के लिए पोल्स दिए जाएंगे, आपको आंसर्स करने का टाइम दिया जाएगा, आपको हैंड रेस करके क्वेश्चंस पूछना है आप सभी बच्चे लोगों को, और आप सभी स्टूडेंट्स को कोई क्लास इसलिए मिस नहीं करना है। डेली लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइसेस में आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम है आप सभी बच्चों को। ये अपकमिंग स्पेशल्स मतलब फ्री, स्पेशल का मतलब समझिए कि ये फ्री क्लासेस है। ठीक है, अब आपकी तैयारी 22 के लिए, अब आपकी जो दौड़ चल रही हो 22 के लिए चल रही है, 22 के लिए अब हम लोग आप लोगों के लिए लग चुके हैं। तो 10 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो गया है टॉप एजुकेटर के साथ, नवदीप कौर, नवीन शेख और आदित्य अनविरोध आर्या मैम के साथ। और आपके पास लक्ष्य बैच भी स्टार्ट हो गया जो कि पेपर 1 के लिए है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार जोरदार होने वाला है। ठीक है, तो आपके कुछ क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस अब आपके बाकी हैं जो कि अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट सारे स्टूडेंट जितने भी होंगे, उम्मीद करता हूं सभी ने क्लास ज्वाइन कर लिया होगा और आप सभी बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से ऑडिबल विजिबल होऊंगा। और अब आप सभी बच्चों के लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, द वे वन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन अराउंड वन सेल्फ इज, जिस तरह से कोई अपने आसपास की जानकारी की व्याख्या करता है वह क्या है। वो एक हमेशा नकारात्मक सोच का होगा बंदा, या फिर ऑलवेज वो पॉजिटिव होगा, हमेशा सकारात्मक होगा, या रिलेटेड टू वंस वैल्यूज बिलीव्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से होगा, या आपको लगता है इसमें से कोई भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे भाई। चलिए, द वे वन इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन अराउंड वन सेल्फ इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, रिलेटेड टू वंस वैल्यूज बिलीव्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के लिए कोर्स भी लेके आ गया हूं, जो भी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास बहुत ही बेहतरीन
बैच लेके आ रहे हैं हम टॉप एजुकेटर्स मिलके आप सभी बच्चों के लिए, जिसमें कि मैं आपको टीच कर रहा हूँ हायर एजुकेशन। तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें और आपकी पेपर वन की तैयारी एक जगह पे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, विद थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी, ध्यान से समझिएगा, कंप्लीट थ्योरी के साथ आपका प्लस आपका एमसीक्यू, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या, रिलेटेड टू वंस वैल्यूज बिलीव्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सुनना क्या है, सुनने का मतलब क्या होता है, आपको क्या लगता है सुनने का मतलब क्या है? लिसनिंग मींस मे बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी स्टेप्स, इट इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव, इट इज अ नेचुरल हैबिट, या इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर। मतलब क्या समझना है, क्या एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है जिसमें कई चरण शामिल हैं, या ये आपको लगता है, या आपको लगता है कि रिफ्लेक्टिव होता है एक तरीके का, सुनना एक रिफ्लेक्शन है, ठीक है, या फिर ये लगता है कि एक प्राकृतिक, एक नेचुरल, एक हैबिट है जो कि सबके पास होती है, या फिर लगता है एक सहज तरीके से होने वाली एक शारीरिक प्रक्रिया है। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आपके क्वेश्चन का आंसर, और जितने भी बच्चे हैं आप सभी स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखेंगे कि लाइक शेयर सभी स्टूडेंट्स करते जाएंगे। चलिए तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज मे बी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग मेनी स्टेप्स, ये एक तरीके का एक बहुत ही कठिन प्रोसेस, जटिल प्रक्रिया हो सकती है जिसमें कई चरण शामिल है। जी नहीं, बिल्कुल ए आपका नहीं आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन स्पॉन्टेनियस मैनर, ये एक आपका सुनना एक सहज तरीके से होने वाली एक शारीरिक प्रक्रिया है, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है जिसमें बड़ा स्टेप्स उसमें चाहिए होता है, नहीं, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ए नहीं आपका डी होगा इसका आंसर, ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक बार देख लीजिए, द रिस्पॉन्डिंग स्टेप ऑफ लिसनिंग मींस इट इज नॉन वर्बल, डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन मेमोरी, या कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, या इट इज ऑलवेज वर्बल, सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। चलिए अब देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद की बात है, ठीक है। तो कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, द रिस्पॉन्डिंग ऑफ स्टेप ऑफ लिसनिंग दैट इज कैन बी अ वर्बल और नॉन वर्बल, दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशलों में से एक है, क्या है वो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको क्या लगता है सबसे सबसे महत्वपूर्ण संचार, वो एक्टिव लिसनिंग है, ऑब्जेक्टिव लिसनिंग है, पैसिव लिसनिंग है, या इनएक्टिव लिसनिंग है, आपको क्या लगता है कौन सा उचित आंसर होगा, आपको क्या लगता है भाई, जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग। सो जल्दी से फटाफट आ जाएंगे, एक बार मैं आप सभी बच्चों को इस चीज के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आप मतलब आपका एग्जाम्स कब अभी हो सकते हैं जो रिमूव कर दिया गया है ना, तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, पर अभी इसका आंसर करें भाई, क्या होगा इसका आंसर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल दैट इज एक्टिव लिसनिंग, ऑब्जेक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग, या इनएक्टिव लिसनिंग, सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशलों में से एक है, सक्रिय सुनना, उद्देश्य का सुनना, या निष्क्रिय सुनना, नेगेटिव लिसनिंग,
सॉरी पैसिव लिसनिंग या फिर निष्क्रिय सुनना, इनएक्टिव। ना ए आपका वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होता है कि एक्टिव लिसनिंग, ये सबसे बड़ा जरूरी है। आप खुद सोचिए, अगर आप पूरे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, पूरे कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपकी लिसनिंग वहां पे अच्छी एक्टिवली नहीं हुई, अगर आपकी लिसनिंग ही अच्छी नहीं हुई, तो क्या उस पूरे कम्युनिकेशन का मतलब निकलेगा? जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी चीज बता रहा हूँ, अगर मैं आपको जो भी चीजें मैंने पढ़ाया, जो भी चीजें मैंने बताया, अगर आपने वो सुना नहीं, आपने समझा नहीं, तो क्या मेरे बताने का, क्या मेरे कम्युनिकेशन, कितनी भी बेहतरीन तरीके से मैंने कम्युनिकेशन की हो, कितने भी अच्छे से मैंने समझाया हो, कितने भी अच्छे से मैंने बताया हो, क्या उसका कोई फायदा हुआ? क्या उसका कोई मतलब हुआ? जी नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो आपने अच्छे से सुना ही नहीं। जो मैं चाहता था, जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोगों को जो मैं समझाऊं, जो मैं पढ़ाऊं, वो आप लोगों तक पहुंच सके और उस पर आप एनालाइज कर सको, उसका आप प्रॉपर फीडबैक दे सको। लेकिन जब वहां पे एक्टिव लिसनिंग ही नहीं होगी, तो उसका मतलब क्या हुआ? तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल के अंदर सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है एक्टिव लिसनिंग का, कि एक्टिव लिसनिंग वहां पे होना बहुत जरूरी है। जब तक तो हम एक्टिव लिसनिंग नहीं करेंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं, किस भाव से बोल रहे हैं, किस भाव से हम चाहते हैं कि आप समझें, वो कभी आपको होगा ही नहीं, वो भाव मतलब कभी समझ में आएगा ही नहीं, जब तक वहां पे एक्टिव लिसनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, अ टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एन एक्टिव लिसनर इज टू, एक सक्रिय श्रोता द्वारा उपयोग की जा सकने वाली तकनीक है। पैराफ्रेज द स्पीकर्स मीनिंग, एक्सप्रेस कंसर्न या फिर एक्सप्लेन द स्पीकर्स मीनिंग, या ऑफर अ व्यू पॉइंट व्हेन इन कन्वर्सेशन। चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज पैराफ्रेज द स्पीकर्स मीनिंग, द टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एन एक्टिव लिसनर इज टू, एक सक्रिय श्रोता द्वारा उपयोग की जा सकने वाली तकनीक है स्पीकर के अर्थ को स्पष्ट करना। ठीक है, उसको स्पष्टली तरीके से बताना। ठीक है, तो यहां आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स प्रभावी सुनने में शामिल क्या है? फिल्टरिंग आउट पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिटेल एनालिसिस, अटैचिंग द सब्जेक्टिव मीनिंग टू अ मैसेज, कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज, किसी संदेश की समझ की पुष्टि कर देना। ठीक है, चलिए, इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड, प्रभावी सुनने में क्या शामिल है? फिल्टरिंग आउट में पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, डिटेल्ड एनालिसिस, अटैचिंग सब्जेक्टिव मीनिंग टू अ मैसेज, कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे मैं आपको कोई भी चीज बता रहा हूं, आपको फिर मैं बोलता हूं कि भाई एक बार बताओ क्या ये समझ में आया, कैसे लगी आप लोगों को क्लास, या फिर मतलब क्या समझ में आया कि नहीं आया, या फिर आपको चीजें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी। तो इसका मतलब ये है कि आप जब कमेंट करके बताते हैं, यस सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, यस सर मुझे बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आ गया, पॉइंट पॉइंट समझ में आ गया, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा कि आप एक तरीके की, जो मुझे एक तरीके कंफर्म कर रहे हैं कि व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल थिंग, दैट एवरीथिंग हैज बिन अंडरस्टैंडेबल फॉर यू ऑल, आप सभी बच्चों के लिए वो समझ में आ गया है। ठीक है, वो सभी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं।
तब हम कहेंगे ये इफेक्टिव लिसनिंग है, क्योंकि वहां पे आपने भी आपका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है। अगर आपका एक्टिव लिसनिंग का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां आपका इफेक्टिव लिसनिंग का मतलब हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? एम्बलम्स, नॉन वर्बल डिस्प्लेज या किनेसिक्स? तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए अ क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स इज कॉल्ड, शारीरिक की गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है? चलिए डी, काइनेसिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब जब अपने बॉडी को मूव करते हैं, बॉडी को जब मूव करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? काइनेसिक्स कहा जाता है। क्लियर आप सभी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? मूवमेंट्स ऑफ द फेस दैट कॉन्वे इमोशनल मीनिंग्स आर कॉल्ड, भावनात्मक अर्थ व्यक्त करने वाले चेहरे के आंदोलनों को क्या कहा जाता है? इमोशनल मीनिंग्स आर कॉल्ड डिस्प्लेज, एम्बलम्स, आई कॉन्टेक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। जब हम अपने मूवमेंट्स नहीं कर रहे थे फेस के दैट कन्वे इमोशनल मीनिंग, जब हम मतलब ऐसा होता ना कि हम बहुत इमोशनली ऐसे सैड वाले मोमेंट या फिर कुछ ऐसा करते हैं, मतलब जब ने इमोशनल के मतलब समस्या है सामने वाला, तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेस बोलते हैं, प्रदर्शन करना या फिर प्रतीक करना या फिर एक आई कॉन्टेक्ट या फिर नन ऑफ द अबव, मतलब कुछ भी नहीं इसमें से, उपरोक्त में से इसमें से कुछ भी नहीं होता है। तो क्या लगता है आपको कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? चलिए चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज डिस्प्ले करना, ठीक है। या आई नहीं, आई कांटेक्ट नहीं होगा, आप सभी बच्चों का आंसर क्या होगा? डिस्प्ले करना, दैट इज डिस्प्ले करना, अपने आप को आप प्रदर्शन कर प्रदर्शित कर रहे हो, है ना। भावनात्मक अर्थ क्या व्यक्त करने वाले चेहरे को आंदोलन को क्या कहा जाता है? प्रदर्शन करना, मतलब अपने आप को आप एक्सप्रेस कर रहे हो कहीं ना कहीं, है ना। तो यहां आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पर्श एक महत्वपूर्ण तत्व है, टच इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या नन ऑफ द अबव। स्पर्श एक महत्वपूर्ण तत्व है, टच करना इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन बिजनेस कम्युनिकेशन में ऐसा होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यू नो आपको सभी को पता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब हम एक दूसरे से कॉन्टेक्ट करें, जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं या मैं किसी एक पर्सन से बात कर रहा हूं, वट एवर आई एम टेलिंग और वट एवर ही इज और शी इज लिसनिंग, दैट इज वॉट इंटरपर्सनल, देर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन मोर देन वन पर्सन, ठीक है। तो यह आपका इंटरपर्सनल, बट वट इज इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल इट मीन्स दैट कि आप खुद में ही सारी चीजें बातें कर रहे हैं, शीशे के सामने खड़े हो गए आप खुद से ही बातें कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, नन ऑफ द अबव, या इसमें से क्या लगता है? तो टच करना, इट इज अ टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, टच, आप किसी को टच कर रहे हो तो देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन पर्सन, दैट इज डेफिनेटली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। So, इसका मतलब भी क्या होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, ऑब्वियसली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कहां से आप होगा, है ना। तो वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेस इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन?
प्रभावी संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कम महत्वपूर्ण है? टोटल कंट्रोल ओवर लैंग्वेज, गुड वोकैबुलरी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑफ द स्पीकर्स, वक्ता का आकर्षक व्यक्तित्व, या टोटल कंट्रोल ऑन द कंटेंट टू बी ट्रांजैक्शन, या लेन देन की जाने वाली सामग्री पर कुल नियंत्रण हो। तो आपको क्या लगता है भाई? अच्छा, जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे, सभी बच्चे लोग लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, ठीक है? और जिन्होंने काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, क्योंकि अभी काफी दिनों तक क्लास नहीं हो पाई थी आपके बीच में, अब जो क्लास हो रही है वो कंटिन्यू बेसिस पे हो रही है, और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए भी मतलब लॉन्च कर दिया है बेस, तो आप लोग कोई भी बच्चा स्किप ना करें, ठीक है? कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऑफ द स्पीकर, वक्ता का आकर्षक व्यक्तित्व, वक्ता का आकर्षक व्यक्तित्व यहां आपका सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस इंपॉर्टेंट? आप जब इफेक्टिव कमर्शियल कम्युनिकेशन, अभी देखो इस क्वेश्चन को देखो तीन तरीके से पूछा गया था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर सबसे कम जरूरी है, पहले इसके पहले पूछा गया था, तो वहां पे लिखा था पर्सनैलिटी ऑफ अ कम्युनिकेटर, ये भी बोल सकते हैं, या फिर सेंडर जो भी है आपका, ठीक है, या फिर एनकोडर, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये बोले कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत अच्छे मतलब अच्छा पहनावा है आपका, अच्छा दिख रहे हो आप, आपकी गुड लुकिंग हो, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम्युनिकेशन इफेक्टिव करता होगा, या इसको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी आती होगी? ऐसा जरूरी आती होगी, बहुत जरूरी नहीं है ऐसा कि ऐसा होगा ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, पर्सनैलिटी डजंट मैटर, वहां पे कोई मैटर नहीं करता पर्सनैलिटी, एक्चुअली वहां पे गुड वोकैबुलरी आप अच्छा यूज कर रहे हो, आप अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल है आपके, कि आपको क्या बोलना है, कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, कौन सी भाषा कब बोलनी नहीं बोलनी है, इस पर आपका टोटल कंट्रोल है। आप अपनी कंटेंट जो भी आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, जो जनता चाहती है सुनना, कि आपको उनको क्या कंटेंट देना है, ट्रांजैक्शन मतलब क्या देना है, जो आप कंटेंट, क्या आपको किस तरीके की उनकी भाषा लेनी है, कुछ चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि कोई चीजें आप निकाल दोगे क्या, वो मान लीजिए आप गए जैसे मोदी जी भाषण देते हैं, तो जो वो सुनते हैं और जो बोलते हैं, अगर वो सिर्फ दिखने दिखने बच्चे, अभी हालांकि भाई स्मार्ट तो दिखते ही हालांकि है ना, अब वो अगर सिर्फ स्मार्टनेस गई और नेता में, अगर कोई नेता है लीडर है और उसको बोलना नहीं आ रहा हो ना, तो फिर वो कितना भी अच्छा लीडर हो वो वहां पे फेल हो जाता है। तो कम से कम एक नेता ही तो होता है जो कि बोलना जानते हैं, है ना, तो ये बड़ा जरूरी होता है। तो उनकी पर्सनैलिटी हो ना हो, लेकिन बोलना अगर आता है तो आप नेता बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, संचारक के पास अच्छी इंद्रियां होनी चाहिए, कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर, कम्युनिकेटर शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, या कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनैलिटी। संचारक के पास अच्छी इंद्रियां होनी चाहिए, संचारक के पास सहनशीलता शक्ति होनी चाहिए, कम्युनिकेटर मृदुभाषी होना चाहिए, या फिर कम्युनिकेटर का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। तो क्या लगता है भैया, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? चलिए फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, और जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, सभी लोग लाइक शेयर जरूर करते जाएंगे, कोई बच्चे स्किप नहीं करेंगे। चलिए, तो ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज कम्युनिकेटर शुड हैव फाइन सेंसेस, कम से कम उसके जो इंद्रियां हो वो एकदम अच्छे तरीके से एक्टिव हो, और वो एक्टिवली वर्क भी करे, वो भी बड़ा जरूरी है कि नहीं है? तो यहां आपके सबसे स्टेटमेंट करेक्ट होगा, यह कथन सबसे सही होगा। तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कि हमेशा ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि टॉलरेंस पावर, सॉफ्ट स्पोकन, गुड पर्सनैलिटी, ये सब कुछ तो होना चाहिए, बट आपका एक्चुअल में ये फाइन सेंसेस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट एमसीक्यू फॉर कम्युनिकेशन का 26th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण के भाग हैं? आई कॉन्टैक्ट, नोडिंग, सिर हिलाना,
सीकिंग क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण की मांग करना, या ऑल ऑफ दी, या आपको ये लगते हैं सारे ही लिसनिंग एक्टिव लिसनिंग के पार्ट हैं। आपको क्या लगता है कि सक्रिय श्रवण सुनना सुनना एक्टिव, मतलब सुनना नहीं, सुनना तो सिर्फ हियरिंग हो गया, एक्टिव लिसनिंग सक्रिय श्रवण के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आपको क्या लगता है पार्ट कौन सा? आई कॉन्टेक्ट, नोडिंग, सीकिंग क्लैरिफिकेशन या ऑल ऑफ दी, सारे ही? बहुत इजी क्वेश्चन है और बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है ये, आप समझिए। क्योंकि देखो वहां पे चलो, तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आई कांटेक्ट हमेशा, जब भी ध्यान रखिए, कोई भी बता रहा हो, कोई चीज सुना रहा हो, तो आप हमेशा उसको एकदम एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि कहीं आपका ध्यान भटके ना इधर उधर, एक्टिव का मतलब आप यू आर टोटली एक्टिव इन रिगार्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप उसके सामने एकदम आंखों में आंख डाल के एकदम ध्यान से सुन रहे हैं और साथ ही साथ वो कुछ पूछ रहा है तो हम यस सर, नो सर, जो भी चीजें, मतलब डायरेक्ट, मतलब आप सिर हिला के, मतलब जैसे भी बोल रहे हैं या फिर बोल के या फिर सिर हिला के जैसे भी, मतलब उसको ये बिल्कुल ना फील हो कि आप इनएक्टिव हो, आप उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हो या आप उसकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो, इसको बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए। और जब भी वो कुछ पूछे, अच्छा मैंने इसके पहले क्या बताया, तो आप तुरंत उस चीज के लिए एकदम स्पष्ट कर सको चीजों को कि हाँ, कि आपने सर पहले ये बताया कि ऐसे ऐसे होता है और ये चीज ऐसे ऐसे होती है, तो इससे पता चलेगा दैट यू आर टोटली एक्टिव, टोटली अटेंटिव इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप उस पर्टिकुलर पर्सन के सामने एकदम पूरी तरीके से एक्टिव हो, तो ये बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये सारे ही पार्ट्स आपके जरूरी होते हैं एट द टाइम ऑफ एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मूल्यांकन श्रवण तभी सफल होता है जब हम इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज सक्सेसफुल व्हेन वी एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश स्टिमुली इन अ मैसेज, एक संदेश में उत्तेजनाओं को सटीक रूप से अलग करें, इन्फर द मीनिंग ऑफ अ मैसेज, एक संदेश के अर्थ का अनुमान लगा दें, या फिर क्रिटिकली असेस द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स स्टेटेड इन अ मैसेज, एक संदेश में बताए गए तथ्यों की सटीकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, या फिर नन ऑफ दी अबव, मतलब कुछ भी इसमें से लगता है यार कुछ भी नहीं है, सब वैसे ही है। अच्छा, नन ऑफ दी अबव तो जल्दी बड़ा आंसर नहीं करते हैं बच्चे, लेकिन अगर यही ऑल ऑफ दी अबव हो तो तुरंत नजर चला जाता है। अच्छा हाँ, क्योंकि उनको लगता है ना कि हाँ, ये एक डिनोटिव टाइप की, डिनोटिव टाइप की कम्युनिकेशन हो रही है ना, यहाँ पे एक डिनोटिव टाइप की एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट कर रहा है बंदा, है ना। चलिए, तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। चलिए, आंसर सभी लोग करेंगे, ठीक है, कोई बच्चा स्किप नहीं करेगा। इट इज डी, नन ऑफ दी अबव, इसीलिए मैंने बस इस क्वेश्चन में आप सभी बच्चों को यहाँ पे, और देखो हर जगह नन ऑफ दी अबव बताया, लेकिन मैं कहीं भी नन ऑफ दी अबव के बारे में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे क्यों बोला है नन ऑफ दी अबव के बारे में, थोड़ा सा हिंट तो समझ लिया करें भाई। इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज सक्सेसफुल व्हेन वी एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश स्टिमुली इन अ मैसेज, इन्फर द मीनिंग ऑफ अ मैसेज, क्रिटिकली असेस द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स स्टेटेड इन मैसेज, तो इसका आंसर नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी आपका इवैल्यूएटिव लिसनिंग के सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ नहीं करते ऐसा। ठीक है, एक प्रभावी संचारक होगा यदि ये वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ इफ वन इट इज अ ह्यूमरस स्पीकर, वह एक विनोदी वक्ता होना चाहिए, या फिर वह ऐतिहासिक प्रतिभा उसके पास होना चाहिए, या इट इज वेरी क्लियर अबाउट वन हु कम्युनिकेट्स, व्हाट वन कम्युनिकेट्स, क्या कोई क्या संचार करता है इसके बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, या कम्युनिकेट्स इन वंस मदर टंग, या किसी मातृभाषा में संचार करना चाहिए। चलिए, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज, इट इज वेरी क्लियर अबाउट वन हु व्हाट वन कम्युनिकेट्स,
कोई क्या संचार करता है इसके बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहां आपका सबसे ज्यादा इफेक्टिव, तो वहां पे आप क्या हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो कि हाँ ये कर सकता है, ये बोल सकता है, तो उस हिसाब से मुझे एक्टिव हो जाना चाहिए। कभी बोलता है ना कि एक आइडिया जब किसी को मिल जाता है किसी के बारे में, है ना, जब ऐसा होता है कि भाई कि हाँ ये बोल सकता है या ये समझ सकता है या ऐसा कर सकता है वैसा कर सकता है, तो हमें एक आइडिया बन जाता है कि हाँ ऐसा मुझे करना है, कि मुझे यहाँ पे ये चीज बोलना है। तो वहां पे आप ना इफेक्टिवली, मतलब आप इफेक्टिवली तरीके से क्या, आप कम्युनिकेशन अपने आप ही इफेक्टिव बनने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है यहाँ यहाँ ये बोलना है मुझे, यहाँ पे ये मुझे समझना है और यहाँ पे इतना मुझे बोलना है, तो आप थोड़ा सा ना एक्टिव हो जाते हो अपने प्रति, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। प्रभावी संचार रिसीवर बना देगा, काफी बच्चों के एकदम सही आंसर आ रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स टू एंजॉय इट, टू एक्सेप्ट इट, या टू पास इट ऑन टू द अदर्स, या थिंक अबाउट इट। प्रभावी संचार रिसीवर बना देगा, इसका आनंद लेकर लेकर, या फिर इसको स्वीकार करके, या फिर से दूसरों को पास करके, या उसको सोचने के लिए उसके बारे में। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? चलिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स टू एंजॉय इट, टू एक्सेप्ट इट, टू पास इट ऑन टू द अदर्स, या थिंक अबाउट इट। तो प्रभावी संचार रिसीवर क्या बनाते का? Only 2 seconds बच्चों। अब आप सभी बच्चों के 2022 के लिए तैयारी के लिए एकदम तैयार हो जाए आप, क्योंकि दिसंबर हो रहा है खत्म, क्रिसमस आ रहा है शुरू, और शुरुआत हो रही है आपके 2022 की, ठीक है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स टू थिंक अबाउट इट, उसके बारे में वो सोचेगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मैं आपकी कुछ समझा रहा हूं, तो आप जब आंसर करोगे ना मुझे, तो सोच समझ के आंसर करोगे, तब मैं कहूंगा कि हाँ ये क्या सोचा, क्योंकि हम किसी भी चीज को देते हैं ना। चलिए ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो थिंक अबाउट इट। जब हम ये बोलते हैं ना कि हाँ चलो सोच रहा है, मतलब क्या कहीं ना कहीं आप उसको एनालाइज करो, आप उसके बारे में सोच कर बोल रहे हैं, तो आप इसका मतलब प्रॉपर फीडबैक देना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप कहते हैं कम्युनिकेशन हमारा इफेक्टिव हुआ है, आपने अच्छे से उसको सुनने की कोशिश। जब इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, जब आपसे सवाल पूछा जाता है ना, तो आप सोच समझ के अगर आंसर करते हो, तो इसका मतलब ये कि आप उसका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, ऑब्वियसली ये समझेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन, प्रभावी संचार तब होता है जब सोर्स इज अट्रैक्टिव हो एंड अथॉरिटेरियन, मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट ऑडियंस, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, रिसीवर्स आर पैसिव कंपोनेंट्स। तो क्या होगा आंसर, एक बार जल्दी से फटाफट बताएंगे। प्रभावी संचार तब होता है जब 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 क्या होता है, आप लोगों को न्यू ईयर गिफ्ट ना जल्दी मिल जानेगा। आपको न्यू ईयर गिफ्ट में क्या मिलेगा, आपको न्यू ईयर गिफ्ट में आपको क्या दे दिया जाए, बताएं क्या क्या डिमांड है आप लोगों की न्यू ईयर गिफ्ट में, क्या 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 दे दिया जाए बताएं। न्यू ईयर गिफ्ट में आपको एनटीए का रिजल्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए भाई, एनटीए का रिजल्ट आप लोगों को मिल जाएगा। चलो ठीक है, एनटीए का रिजल्ट मिल जाएगा न्यू ईयर में, इससे बड़ा गिफ्ट क्या ही चाहिए आप लोगों को, है ना। अगर किसी को मतलब ऐसा हो जाएगा कि बच्चों डिमांड करेंगे सर न्यू ईयर की, अच्छा पहले के टाइम में क्या होता था, जब स्कूल टाइम में थे, आपको बताता हूँ थोड़ा सा, अगर न्यू ईयर की बातें हो ही रही है, तो बचपन में हम क्या करते थे, आप लोगों ने ग्रीटिंग कार्ड बनाया होगा, काफी ग्रीटिंग्स बनाएंगे ना, मतलब चार्ट पेपर लेके आया, या फिर एक ग्लास पेपर लेके आया, छोटा सा पेपर लेके आया, उसको हमने कट किया, कट करने के बाद मतलब
उसमें से एक दिल ऐसे निकाला, दिल करके निकाला, दिल बनाने के बाद फिर हम बहुत सारे ग्रीटिंग बनाते थे, तो उसमें लिखते थे रेड इज रोज, स्काई इज ब्लू, ओ माय मैडम आई लव यू, ऐसा लिखते थे, है ना। मतलब अपनी मैडम को पसंद करते हैं, मतलब ये दूसरे वे में मत ले जाना कोई भी, ठीक है। मतलब उसमें हम लिखते थे, मतलब अपनी पसंद होती थी, हाँ मैम। छोटे छोटे तो बच्चे होते थे, हम नन्हे मुन्ने से तो होते थे, है ना। रेड इज रोज स्काई इज ब्लू, मतलब ब्ला ब्ला करके लिखते थे। कुछ शायरिया लिखते थे कि आपके जैसा मैम कोई नहीं पढ़ाता, ना मैंने कभी किसी को देखा, आप ही एक ऐसे हमारे मैडम है जिससे हम सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, सबसे ज्यादा मजा आता है आपकी क्लास में पढ़ने में, सर आप बहुत अच्छे हैं, सब मतलब अलग अलग तरीके के बच्चे होते थे, कितना पसंद करते थे। मतलब पहले के जमाने, मतलब पहले का अलग ही बचपन होता था, है ना। तो कोई गिफ्ट मिलता या ग्रीटिंग कार्ड, मतलब कोई ऐसा मतलब परचेज करने जाते थे, ग्रीटिंग कार्ड मिलता था तो उसमें हम ओपन करते, उसमें हार्ट ऐसे हार्ट निकल के आता था बाहर, है ना। तो न्यू ईयर पे तरह तरह की ये गिफ्ट सिर्फ न्यू ईयर के ऊपर ग्रीटिंग निकलते थे, है कि नहीं है। न्यू ईयर पे जाते थे, और वो ग्रीटिंग सबसे मजेदार तब होता था जो हम मतलब खुद ही अपने हाथों से बनाते थे। मतलब एक छोटा सा ऐसे कार्ड लिया, कार्ड के ऊपर कुछ ऐसा दिल सा बना देते थे और यहाँ लिख देते हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे करके लिख देते थे, है ना। तो ये एक अपने में एक इंटरेस्टिंग चीज होता था बचपन का, एक ये अलग इंटरेस्टिंग चीजें होती थी उसमें, है कि नहीं। तो ये भी एक अलग ही अपना टाइम होता था जो कि कभी वह टाइम वापस कभी नहीं आएगा, और कभी उसके अंदर मतलब पीछे जरूर कुछ ना कुछ एक दो शायरी तो जरूर लिखते थे, और सबसे ज्यादा यही लिखते थे जो मैंने आपको बोला है ना, ये सबसे ज्यादा लिखते थे, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग शायरी होती थी ये, और सबसे ज्यादा मिलता था। और क्या करते थे न्यू ईयर पे, और क्या करते थे न्यू ईयर पे, हालांकि विंटर वेकेशन पड़ जाता था आप लोगों का, लेकिन फिर भी इस चीज को करते थे, लेकिन करते थे लेकिन जरूर ग्रीटिंग कार्ड मैंने भी बनाया। ग्रीटिंग कार्ड अपने फेवरेट फेवरेट टीचर्स को देते थे, फेवरेट मतलब बहुत सारे 4-5 ग्रीटिंग कार्ड बना के फेवरेट फेवरेट टीचर को देते थे, है कि नहीं है। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर, मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स ऑडियंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन संदेश डिजाइन दर्शकों को शामिल करता है। आप किस तरीके से मैसेज को डिजाइन करते हैं कि कब आपको कैसे क्या बोलना है, जिस तरीके का वह डिजाइन होगा उतना ही ज्यादा आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, है ना। चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग यार वो बचपन कभी वापस नहीं आता, कहते हैं ना कि हर चीज मतलब हम कर सकते, लेकिन थोड़ा सा मतलब उस टाइम नहीं होता था ऐसा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सफल संचार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, वन हु प्रेजेंट्स मटेरियल इन अ प्रिसाइज एंड क्लियर वे, वन हु इज एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेटी, या फिर वन हु नोज अ लॉट बट इज समवॉट रिजर्व इन हिज हर एटीट्यूड, या वन हु समटाइम्स बिकम इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर एंड द डेवलप्स रैपर्ट। तो भाई सबका नाम लिया जाता है, सबका नाम लिया जाता है, आप काहे परेशान है आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सफल संचार नहीं है, बताएं भैया। कौन एक सफल संचार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन एक सफल संचार नहीं है, तो जल्दी से बताएंगे। तो सामग्री को सटीक और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है, तो सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, दैट इज वन हु नोज अ लॉट बट इज समवॉट रिजर्व इन हिज एटीट्यूड, वह जो कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है कि आज मैं तो 50 क्वेश्चन करा देता हूं, कि आज मैं तो 50 क्वेश्चन करा भी देता हूं। तो सी आंसर सही है, ठीक है, सी फाइनली आंसर सही है, वह जो सॉरी जो बहुत कुछ जानता हूं लेकिन अपने दृष्टिकोण में कुछ हद तक ही वह सुरक्षित है, ठीक है। तो ये एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं हो पाता कि अपने एटीट्यूड को वो नहीं बोल पाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, क्या होता है, दो लोग थे, मतलब एक मेरा फ्रेंड ही था ऐसे समझिए, ठीक है, एक फ्रेंड ही था, मतलब ऐसा समझिए कि क्या हुआ था कि इंटरव्यू देने गए थे दोनों ही लोग, है ना, दोनों ही इंटरव्यू देने गए थे, वो मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा, वो मेरे से सीनियर और मेरे से हर चीज में था। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ इस टाइम, कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों को बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपको लाइफ में कुछ भी ऐसा चीज नहीं छोड़ना चाहिए कि आपको पछतावा हो, पहली चीज
कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए कि आपको लाइफ में पछतावा, या लाइफ मिली ही है कि चीजों को आपको कार्य करने के लिए, तो कभी ऐसा चीज छोड़ना नहीं चाहिए कि आपको कोई भी लाइफ में सोचना पड़े, पछताना पड़े। तो इसमें क्या हुआ था कि भाई गए इंटरव्यू देने के लिए एक ऑफिस में, तो अब वो मेरे से नॉलेजेबल था हर चीज में मेरे था, लेकिन वो जब इंटरव्यू में पहुंचता है और जब मैं पहुंचता तो आप लोगों को पता है मैं आप लोगों से कितना बातें करता हूँ, कितना बोलता हूँ, सारी चीजें आपको पता है कि मैं आपको लग गया होगा कि हाँ बहुत ओपन सर है, मतलब ओपनली सारी चीजें बोलते हैं। अब वो था कि वहां पर बहुत ज्यादा शर्माना, बहुत ज्यादा शाइनेस फील, जो पूछते थे बहुत, मतलब उतना ज्यादा अपने आप को ओपन नहीं कर पाता था, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से ओपन नहीं कर पाता था कि अपनी चीजों को बोले, है ना। और या उसको लगता था अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या होगा, ऐसा बोलूंगा तो कहीं गलत ना बोल दूं, मतलब ये भी होता ना कि कहीं ऐसा मैं बोल रहा हूँ कहीं वो मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, कभी ऐसा होता है ना कि हम सामने वाले को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि वो हम सोचते हैं कि ये हमसे कहीं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करता है और हम ये बोलेंगे तो ये कम लगेगा, तो इसके वजह से वो मुझे समझेगा अरे यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, कि हम सामने वाले को इतना बड़ा समझ लेते हैं कि अगर हमसे वो कुछ पूछता है तो हम सोचते हैं कि यार वो हमसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैं अगर कुछ बोलता हूं तो वह समझेगा कि अरे ये तो कम है, इसको कुछ आते हैं, तो उस चक्कर में वह वो भी नहीं बोलता है जो वह जानता है। इस चक्कर में वह क्या होता है कि सफाचट हो जाता है मैदान और नहीं हो पाता है फाइनली। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हमेशा जो आपको आता है, जितना आता है उतना आपको अपने लिए मतलब रखना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए, अपनी बातें बारे में बोलना चाहिए, जानना चाहिए, कुछ तो बोलिए, है ना। अब भाई वहां पे होता है ऐसे चीज, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है अब होता क्या है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि अब वो मतलब इंटरव्यू देता है और फिर फाइनली हो जाता है कि एक का और एक का नहीं हो पाता। रीजन बीइंग क्या है कि वो अपने आप को मतलब अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, मतलब कि जो उसके पास नॉलेज है, जो उसके पास मतलब अवेलेबल है ना, मतलब अपने अंदर, जबकि वो मोस्ट सीनियर था, मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन था, बट फाइनली नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सो हमेशा आपको इसलिए बोलता हूं कि कभी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं आने देना चाहिए कि आपको छोड़ दो, अरे यार काश मैं वो कर लेता, काश मैं वो बोल लेता, काश मैं ऐसा कर लेता। तो हमेशा इस चीज को कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, यानी सुनने में सुधार किया जा सकता है, सुनने में सुधार किया जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज लिसनिंग कैन बी इंप्रूव्ड बाय, सुनने में सुधार किया जा सकता है। ऐसा कौन सा पार्ट आपको लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसको हम इंप्रूव कर सकते हैं? मेकिंग द अटेंशन फुल्ली पेड, या मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नॉवेल इंटरेस्टिंग और नीड बेस्ड, जैसे कभी कभी होता है ना कि हम नॉवेल पढ़ते हैं तो उससे काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग आता है उसमें, या इस तरीके का हमें कम्युनिकेशन रखना चाहिए, या मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, मतलब हम बहुत इफेक्टिवली तरीके से बोल रहे हैं, इस तरीके से बोले कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए और फिर अरे भाई आपके जैसा तो सुर नहीं, आपके जैसा तो किसी को मैंने बोलते हुए नहीं देखा, है ना, आप ही हैं जो, आप ही तो श्री कृष्ण है, मतलब जहां से फ्लूट के, मतलब श्री कृष्ण जी क्या फ्लूट बजाते हैं, जैसा आप बजाते हैं, आपकी आवाज में वो मधुरता है कि जिसकी मिठास से एक मिठाई भी कम, उसकी मिठाई की मिठापन कम हो जाए, ऐसा इंप्रेशन रखना, तो या फिर सारी चीजें। तो बताइए क्या होगा आंसर आप सभी बच्चों का जल्दी से फटाफट। संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहले क्या होगा, यानी जो सुनने में सुधार किया जा सकता है, तो डी, ये सारी चीजें, सारी चीजों के अंदर सुधार किया जा सकता है। आप अपनी वॉइस को इफेक्टिव बना सकते हैं, बहुत तेज बोल रहे हैं तो उसको बहुत आराम से बोलना सीख सकते हैं, बहुत ही गड़बड़ करके मतलब जो मन में आ रहा वही बोल देना, तो उसको थोड़ा सा आप इंप्रेशन उसमें बना सकते हैं, मतलब इंप्रेसिव वे में बोल सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, एक किसी भी चीज को समझाने के लिए, बताने के लिए, आप उसको फैक्चुअल ना कह के या फिर थ्योरी ना कह के उसको एक स्टोरी वाइज, एक नॉवेल तरीके से आप उसको बता सकते हैं कि उससे क्या होगा, सामने वाले का इंटरेस्ट बन जाता है सुनने के लिए, है कि नहीं है। तो ये बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। संचार की प्रक्रिया के माध्यम किस माध्यम से बढ़ाया जाता है? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एनहेंस्ड थ्रू बिलोंगिंगनेस, संबंधितता, या सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइसेस, या इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर, या ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा आंसर, या उपरोक्त सभी आप कह लें। So,
कौन सा आपको लगता है कि उचित उत्तर होगा? तो फटाफट आंसर करेंगे। चलिए, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एनहेंस्ड थ्रू, संचार की प्रक्रिया को किसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है? हाँ, तो डी आपका बिल्कुल सही है, ये सारे ही आपके ऊपर सभी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प द मोस्ट इन एनहेंसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग? आपका यहां बिल्कुल क्या सही आंसर होगा? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय श्रवण, कहां गया यार, श्रवण प्रभावशीलता को बढ़ाने में सबसे अधिक मदद कर सकता है? डेवलपिंग एपैथी विद द सेंडर, डेवलपिंग अ सिस्टम टू मिनिमाइज द नॉइज इन द एरिया, या फिर पेइंग अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अ सेंडर। मतलब हम कभी कभी बोलते हैं ना कि जब कोई सामने वाला बोल रहा होता है तो हम कभी कभी उसके बोलने के आधार पर नहीं, हम उसके बॉडी लैंग्वेज के आधार पर जाते हैं। मतलब हाउ टू एक्सप्रेस, कैसा वो एक्सप्रेस कर रहा है, कभी कभी हम इस चीज को ज्यादा देते हैं, क्योंकि हो सकता है वो इस तरीके से बोल रहा है कि आप उसकी बोलने पे ना समझने से ज्यादा आपके उसके एक्सप्रेशन के थ्रू समझ में आ रहा है ना। अब आप खुद सोचिए, बोल रहा है वो कुछ और, एक्सप्रेस कर रहा है कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ और, तो ना उसके बोलने का कोई मतलब निकलेगा, ना उसके एक्सप्रेस करने का कोई मतलब निकलेगा, ना आपके कोई समझने का मतलब निकलेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए इस चीज को कि हाँ, आपको अगर उसके बोलने पर नहीं समझ आ रहा तो आप उसके उस पर चले जाओ कि वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, है कि नहीं? तो डी आपका बिल्कुल सही है, डेवलपिंग एम्पैथी विद द सेंटर। एम्पैथी जानते हैं, एम्पैथी मैंने बार बार बताया, एम्पैथी और सिंपैथी, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सहानुभूति या परानुभूति, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। सहानुभूति, सहानुभूति मतलब सह अनुभूति, मतलब क्या, जैसा उसने या उसके साथ हुआ है, उसके साथ मतलब सह अनुभूति, जैसा वह अनुभव कर रहा है वैसा अनुभूति आपको भी कभी हुआ हो या आपने कभी अनुभव किया हो, तो यह होता है सहानुभूति, है ना। मतलब सह उसके साथ के जैसे जैसे अनुभूति हो, आपको चोट लगी, आपको चल रहे हैं, मतलब उसमें मतलब रोड पे चल रहे हैं, आपके साथ साथ वो चल रहा है, ब्रेकर आए, ईंट से चोट लगी, वो बैठ गया, अरे मेरा पांव दर्द कर रहा है, तो क्या है आप ये सोचेंगे, अरे यार एक दिन मैं भी ऐसे गिरा था, मेरे को दर्द हो रहा है, वो ज्यादा आपके दर्द को समझ पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ भी सेम अनुभूति सेम एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा, दैट इज द एम्पैथी। सहानुभूति क्या मतलब, सिंपैथी क्या हुआ कि हाँ ठीक है, कोई जो सामने वाला जिसको कभी चोट वोट ना लगा वो आके आपको कह सकता है, अरे हाँ यार दर्द हो रहा होगा इसको, लेकिन क्या अगर हम लेवल देखें दर्द का, कौन ज्यादा महसूस कर सकता है, वो जो सिंपैथी कर रहा है जो सिर्फ ये बोल सकता है कि हाँ दर्द हो रहा है, या वो जिसको पहले चोट लगी हो वैसे ही, या उसको भी, है कि नहीं? तो यह एम्पैथी और सिंपैथी, किसी का दिल टूट गया, किसी का दिल टूट गया, अब वो क्या कर सकता है, वो उस चीज को वही ज्यादा एहसास कर सकता है जो सामने वाला किसी का टूटा हो, जैसे मैं हूं और एक सामने वाला कोई है ना, अब उसका भी दिल टूटा है, मेरा भी दिल टूटा, तो मैं समझ सकता हूं इस चीज को जितनी गहराई में, हो सकता है कोई तीसरा ना समझ पा रहा हो जिसका कभी ना टूटा हो, वो एकदम आराम से मस्ती से रह रहा हो, है कि नहीं है? तो यहां आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसलिए हमेशा ना चीजों को एम्पैथी वे में समझना चाहिए, इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए, भले से कहीं कहीं हुआ ना हो, लेकिन एम्पैथी एक अलग ही लेवल होता है, वहां पे आपको सिंपैथी का नेक्स्ट लेवल, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो एम्पैथी का लेवल स्टार्ट होता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा बता दिया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संचार से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद द संचार कम्युनिकेशन? ठीक है, मीडियम इज द मैसेज, माध्यम एक संदेश है, या द वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, या फिर इन्फॉर्मेशन इज अ पावर, या टेलीपैथी इज द टेक्नोलॉजी? तो बताएंगे फटाफट क्या होता है आंसर। आप लोगों की इजाजत पे, दर्शकों की इजाजत पे आप चाहेंगे कि मैं पानी पी लूं भाई?
लेकिन आप लोग पढ़ा के तभी पानी पिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पहले पढ़ा लिया जाए फिर पानी पिया जाएगा, ठीक है? देख लो ठंड इतनी पड़ रही है कि मतलब वो हो गया है, मतलब क्या कहते हैं, तो ओनली 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से फटाफट आंसर करें भैया। दिल ने मेरे इस दिल से कहा, चलो भाई कुछ नहीं कहा, चलो आगे बढ़ते, जल्दी से बताए आंसर। डी बोला, आंसर बोला डी, टेलीपैथी से टेक्नोलॉजी, ठीक है? टेलीपैथी क्या है? एक टेक्नोलॉजी है, यही कहा दिल ने मेरे दिल से, ठीक है? टेलीपैथी इज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द कम्युनिकेशन, डी विल बी योर राइट आंसर। जिंदगी और कुछ भी नहीं, पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो या फिर टेलीविजन। तेरी मेरी कहाँ, उत्तरादि आधुनिकतावाद का संबंध किससे है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, या फिर रेडियो, या फिर टेलीविजन, टीवी। हम बचपन में होते थे ना कि शायरी बात है, तेरे घर में टीवी है, तेरे घर में टीवी है, उसके आगे, उससे आगे की लाइन आप लोग जानते होंगे, बचपन तो आप लोगों का भी होगा, उसके आगे क्या बोलते थे। चलो तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। उत्तर आधुनिकतावाद का संबंध से क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म इज एसोसिएटेड विद न्यूज़पेपर या मैगजीन्स, रेडियो या फिर टीवी। देखो बचपन से मैं भी गुजरा हूँ, बचपन से आप भी गुजरे हैं, हो सकता है थोड़ा बचपना मतलब हो सकता है किसी की ज्यादा गहरे भी बचपना चला गया हो और किसी का कम, तो वो नॉर्मल चीज, जैसे मैंने बताया ग्रीटिंग कार्ड वाला बताया कि नए साल में हम अपने टीचर मतलब लाते थे, ग्लास पेपर लेके आते थे, छोटा सा पेपर लेके आते थे, उसके साथ कार्ड बनाते थे और लिखते थे रेड इज रोज, स्काई इज ब्लू, ओ माई मैडम आई लव यू, बोलते थे ना ऐसे करके, मतलब वो करते थे, शायरी लिखते थे अच्छे से। तो वो बचपना रहता था यार, वो बचपन की यादें कभी वापस नहीं आ पाएंगी। अब वो बचपन की यादें जब आप अपने बच्चों को देखोगे ना तो कहेंगे यार अच्छा मैं भी ऐसा था, मैं भी इतना शैतानी करता था, तब आपको समझ में आएंगी, है कि नहीं? चलिए तो डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज टेलीविजन, ठीक है? उत्तर आधुनिकतावाद इस समय के सबसे ज्यादा, पोस्ट मॉडर्निज्म में सबसे ज्यादा एसोसिएशन किससे? हर चीज तो आपको टेलीविजन। अब टेलीविजन का भी अगर हम बात करें ना, अब टेलीविजन के भी अगर आगे हम बात करें, अगर एक और ऑप्शन दे दिया जाए तो यहाँ पे मोबाइल फोन या इंटरनेट दे दिया जाए। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन क्या है कि अब आपका चाहे न्यूज हो, चाहे वो आपका मूवीज हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपकी ये सारी चीजें आपको मोबाइल पे ही मिल जानी है, मोबाइल पे सारी चीजें दिख जानी है ना? तो अब तो मुझे लगता है उत्तर आधुनिकतावाद में सब पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर सबसे मोस्ट अगर इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो वो आपका फोन है, मोबाइल फोन है ना? इससे बड़ा कोई कुछ है ही नहीं, मुझे लगता है। एक दिन अगर मोबाइल ना रहे तो लोग, अरे भाई साहब सांस ले गई, सांस ले लो भगवान जी, लेकिन मोबाइल मत लो, मोबाइल नहीं खोना चाहिए, मोबाइल नहीं गिरना चाहिए, मोबाइल भी लेकिन इंटरनेट तो होना ही चाहिए, इंटरनेट नहीं है तो मोबाइल ना डब्बा है, डब्बा कुछ मतलब नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब वो डब्बे के बराबर है अगर मोबाइल है और इसमें इंटरनेट नहीं है तो, है कि नहीं? तो यहाँ बड़ा जरूरी होता है कि मोबाइल होना, उसके साथ इंटरनेट होना, और अगर एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ आप मतलब वॉच कर रहे हैं, गेम खेल रहे हो और एट द पॉइंट ऑफ टाइम आपका जीबी खत्म हो गया, आहा, और आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, और रात का टाइम 1 बज रहा है और आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं है कि आप उसको 1 जीबी का रिचार्ज करके कंटिन्यू कर सको, उस दिन का जो दुख होता है वो दुख शायद वो बच्चा ही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो, है कि नहीं है? और किसी को कॉल भी नहीं कर सकते रात के, भाई यार 11 रुपए वाला रिचार्ज कर देना। तो ऐसा होता है, ठीक है? चलो, इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज द नॉन वर्बल कोड, द वर्बल कोड या द सिंबॉलिक कोड या द आइकॉनिक कोड, प्रतिष्ठित कोड, आइकॉनिक कोड। संचार में भाषा क्या है? माहौल शांत हो जाता है वैसे पानी पी के, है ना? ऐसा लगता है तो शांति शांति सा हो गया। चलिए तो आंसर बताएंगे, संचार में भाषा क्या है? गैर मौखिक कोड है, मौखिक कोड है, प्रतीकात्मक कोड है, या फिर प्रतिष्ठित कोड है, क्या है भाई? जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आहा, देखो कितना बढ़िया, मतलब क्या गजब का कवि ने कहा है, एक प्यार का नगमा है,
किसकी कहानी है? तेरी और मेरी कहानी है। अरे गजब। चलो बी आपका बिल्कुल सही है, वर्बल कोड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसकी कहानी है? चलो, मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ द कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू एज, संचार बिंदुओं का एक परस्पर श्रृंखला में जो मौजूद मीडिया को का कहल रुबानी भाई क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, नेटवर्क मीडिया, कनेक्टिव मीडिया, या नोडल मीडिया, या फिर मल्टी मीडिया? चलिए बताएंगे भाई आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। मीडिया दैट एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू एज नेटवर्क मीडिया। चलिए तो मीडिया दैट एग्जिस्ट इन एन इंटरकनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू एज दी नेटवर्क्ड मीडिया। ठीक है, देयर इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ दिस सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज व्हाई दिस आंसर इज द नेटवर्क मीडिया। ठीक है तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत डायरी में लिखना या अन्यथा अपने विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करना, इसके उदाहरण क्या है? राइटिंग इन अ पर्सनल डायरी और अदरवाइज रिकॉर्डिंग वंस थॉट्स फीलिंग्स। एग्जाम्पल ऑफ लिखते लिखते हैं ना, फीलिंग में लिखते हैं, याद आ रही है तुम्हारी, याद आ रही है लिखते हैं, मतलब जैसे डायरी वायरी बनाते हैं ना, तो वहां पे अपने मतलब वो लिखते हैं कि आपकी यादें आ रही हैं, मतलब डायरी बनाते अपने फीलिंग्स लिखते हैं, है ना? तो इसको क्या कहते हैं, मीडिएटेड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, या फिर मास कम्युनिकेशन कहते हैं विद रिगार्ड्स टू मीडिएटेड, या नन ऑफ द अबव? तेरे आने से तेरे जाने से जान जा रही, ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा जो ऐसे ऐसे ये गाने भी देखो ना यार, जब गाया जाता है तो सिर्फ वो गाने सिर्फ बोल नहीं सकते, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि हम जो मन किया जो भी, जैसे हनी सिंह हो गया, इन गानों को उतने अच्छे से नहीं गा पाएंगे, और या फिर ऐसा मतलब उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, और या फिर कोई बड़ा सिंह जो रॉक स्टार जैसे बादशाह, बादशाह हो गए, ये सब रिकॉर्ड थोड़े याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, ऐसे तो हम गा नहीं सकते वो, है ना? इसको गाने को ना गजल वो वही लोग चाहिए, उनको क्या नाम है, मतलब जगजीत सिंह, मतलब किशोर कुमार, उन्हीं की आवाज में वो मतलब फीलिंग भी रहती है कि हाँ ऐसी चीज को एक्सप्रेस कर सकें, है ना? तो ये होना चाहिए। चलो ये आपको बिल्कुल सही, इंट्रा पर्सनल क्यों बोला गया है? बिकॉज यू आर राइटिंग योर सेल्फ स्टोरी, मतलब अपनी स्टोरी, ऑटोग्राफी स्टोरी, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी रिकॉर्डिंग्स, आप अपनी पर्सनल चीजें लिख रहे हैं, इट मीन्स आपका मीडिएटेड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि अपने बारे में लिख रहे हैं आप। ठीक है, अपनी यादों के बारे में लिख रहे हैं, अपने किसी के बारे में लिख रहे हैं आप, है ना? कि आपकी याद आ रही है, बस अब आ ही जाओ आप, अब यार आप लोगों को कथा सुनाने लगूंगा फिर तो कहोगे कि यार सर कहाँ जा रहे हैं। संचार में इंटरनेट में चैटिंग क्या है? इन कम्युनिकेशन, चैटिंग इन इंटरनेट इज वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पैरेलल कम्युनिकेशन, या फिर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, अंगूर संचार, क्या बोलते हैं? चलिए तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। यार आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते चश्मा ही टूट गया, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते चश्मा ही टूट गया। लो सच्चिया ज्योति वाली माता तेरी सदा ही जय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पहले इसका आंसर तो करें। चलो ए आपका बिल्कुल सही उत्तर, वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चैटिंग इंटरनेट इज अ कम्युनिकेशन, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, या फिर आप कोई भी फेसबुक या फिर कोई भी सोशल साइट यूज कर रहे हो, इट इज व्हाट अ टाइप ऑफ अ वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, आप एक वर्बली तरीके से आप मौखिक संचार कर रहे हो वहां पे। ठीक है तो यहाँ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए देखना, मैं जल्दी जाऊंगा फिर से वैष्णो देवी, और फिर आप लोगों के लिए विश करके आऊंगा। ठीक है, और कौन कौन चलना चाहेगा? चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, या और कर लिया जाए क्वेश्चन? चलिए
आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्या हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न अगर आपके दिमाग के अंदर उत्पन्न हो रहा है तो आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं, आपके प्रश्न का जरूर से जरूर जवाब उत्तर दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होता है। ठीक है गाइस, तो आप सभी बच्चों को कोई भी क्वेश्चन होता है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर आप लोगों को आंसर्स किए जाएंगे। इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके गाइस, और आप सभी बच्चे लोगों को इस कोड का इस्तेमाल वहां भी कर सकते हैं जहां पे आपको फ्री प्लान अनलॉक करना हो। जहां पे आपको फ्री प्लान मतलब क्या, अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना हो तो भी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप हर एक एजुकेटर की क्लास देख सकते हैं, हर एक एजुकेटर्स की क्लास देख सकते हैं, हर एक एजुकेटर की क्लास किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आप किसी भी कैटेगरी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी 101 इस कोड का इस्तेमाल करेंगे और फिर आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है आप सभी बच्चों को, एकदम फ्रीली पढ़ सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो आपका यहाँ बिल्कुल सही आंसर नहीं कोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आप सभी बच्चे ये घंटे को दबा के इसका एक बार बेल बजाएंगे, आपको डायरेक्ट माता रानी का दर्शन हो जाएगा। मतलब माता रानी के क्या, मतलब भगवान के भी दर्शन होंगे, मतलब कहने का ये कि सारे टीचर्स के दर्शन होंगे आपको, गुरु भी तो भगवान का रूप होते हैं, है ना। तो घंटे बजाने से तो आप लोग नोटिफिकेशन आ रहा है, इसका मतलब प्रकट हो रहे हैं आपके सामने भगवान लोग, है ना। तो आपको यहाँ पे पीडीएफ नोट सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, इसलिए आप लोग ज्यादा ज्यादा नंबर्स में करें। ध्यान रखेंगे, आपके एक लाइक आपके एक शेयर से हो सकता है किसी का ज्यादा फ्रैप हो जाए, है ना। तो आप लोग जरूर कर देंगे, तो लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। तो आप सभी बच्चे लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक प्यारे से स्माइल के साथ पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं एक शानदार से, एक छोटे से प्यारे से फिर से एक क्लास पर छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, बाकी आप लोग एकदम जाइए थोड़ा सा रजाई के अंदर, और फिर इसके बाद थोड़ा सा गुल्लू गुल्लू करिए, और फिर इसके बाद एक नींद मार के फिर से आइए, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।